सभी का इस्तकबाल करता हूं और नमस्कार करता हूं हमारे उन लाखों लाख दर्शकों को जो पिछले 22 वर्षों से इस कार्यक्रम को सतत रूप से लोकप्रिय बनाए दे रहे हैं। जब हम प्रश्नोत्तरी की बात करते हैं तो आवश्यक रूप से हम ये बात करते हैं, क्योंकि ये दूरदर्शन का सामाजिक सरोकार है, कि किस प्रकार से आप लोगों में ये भावना बलवती की जाए, यानी आपको जिज्ञासु बनाया जाए, इंक्विजिटिवनेस, इस बात को कैसे पैदा किया जाए। आमतौर पर होता ये कि आज कॉम्पिटिटिव जमाना है, हर व्यक्ति ये चाहता है कि अधिकतम मार्क्स लाए, पेरेंट्स भी ये चाहते हैं, टीचर्स भी ये चाहते हैं, स्टूडेंट्स भी ये चाहते हैं, लेकिन ढाक के वही तीन पाथ। जब पैकेज की बात आती है, नौकरी की बात आती है, कुछ लोगों को बढ़िया नौकरी मिलती है, अधिकांश लोग तरसते रह जाते हैं, कई लोगों को ऐसा पैकेज मिलता है कि अखबारों की सुर्खियां बनती है, तो प्रश्न ये पैदा होता है कि क्या हार्ड स्किल्स जो कि हम एक्वायर करते हैं जब हम पढ़ाई करते हैं, उसके अतिरिक्त भी कोई चीज़ है जिसका अहम योगदान होता है। और जब हम इन चीज़ों के बारे में सोचते हैं, रिसर्चेज जो लोग कर रहे हैं वो ये बताते हैं कि सॉफ्ट स्किल्स आर मोर इम्पॉर्टेंट देन हार्ड स्किल्स। और इसके लिए आवश्यकता होती है हमारी जो मेधा, हमारी जो बुद्धि, हमारा जो विवेक है, उस पर, उस कसौटी पर हम उसे कसें। सीखने के दो ही तरीके हैं, ठोकर खाइए, कीमत चुकाइए, सीखिए, या अन्य लोगों के अनुभवों से सीखिए। टीचर साहिबान जो पढ़ाते हैं, किताबों में जो लिखा हुआ है, या सारी जानकारियां जो संग्रहित की गई हैं इंटरनेट इत्यादि पर, वो क्या है, वो कॉडिफाइड कॉमन सेंस में परिवर्तित हो गया वो जानकारियां, क्योंकि लोगों ने मेहनत की, कीमत चुकाई। तो आइए आरंभ करने जा रहे हैं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम। और मैं अपने दर्शकों को बताना चाहूंगा, विवेकानंद इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी ईस्ट के विद्यार्थी अपने लिए तालियां जोरों से बजा रहे हैं। और आज की हमारी मुख्य अतिथि हैं रूबी आहलूवालिया, आप इंडियन रेलवे सर्विस की सदस्य हैं, तालियां आपके सम्मान में जोरों से बजाइए। आप वर्तमान में मुंबई में सेंट्रल रेलवे में फाइनेंशियल एडवाइजर हैं, आपने एक एनजीओ बना रखा है, उसके बारे में आपसे बात करेंगे, कैंसर के लिए, कि आपने ऐसा क्यों किया, क्यों ललक लगी, उनके सम्मान में एक बार बजाइए तालियां जोरों से। तो मैं आरंभ करने जा रहा हूं आज का प्रश्नोत्तरी कार्यक्रम, और मेरा पहला सवाल, सोचता हूं मुंह में पानी आ ही जाना चाहिए, चॉकलेट आ गया, जीभें बाहर निकली कुछ की, देखा मैंने, मन करता है चॉकलेट खाएं, चेहरा बच्चे का मुरझाया हुआ, अपरिचित भी अगर चॉकलेट आगे कर देता है, बच्चा कृतज्ञता ज्ञापित करता है, मुस्कुराता है उसकी बॉडी लैंग्वेज से। मिठाइयां हम खाते हैं, चॉकलेट का प्रचलन भी बढ़ रहा है। रिसर्चेज ये कहती हैं कि चॉकलेट के जो शौकीन हैं वो आतंकित नहीं हों। यदि आप मॉर्निंग में थोड़ा सा चॉकलेट खाएंगे, यानी थोड़ा थोड़ा खाएंगे, तो दिन भर आपको तलब नहीं होगी मीठा खाने की, चॉकलेट खाने की, और आवश्यक रूप से आपका वजन घटेगा, क्योंकि अन्यथा आप अधिक चॉकलेट और मिठाइयां खाते हैं। तो इस जानकारी के लिए भी तालियां बजा दीजिए। तो सुबह ही सुबह मैं तो आरंभ कर रहा हूं, लेकिन शौकीनों की कमी नहीं है। आपको यह बताना है, स्विट्जरलैंड में आम तौर पर हर व्यक्ति सालाना, प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति कितनी चॉकलेट कंज्यूम करता है, कोई ज्यादा कोई कम, एवरेज ये बताइए और जीतिए पुरस्कार। सभी ने हाथ खड़े किए, सभी शौकीन हैं। मैम खड़ी होइए आप। पहले तो आप ये बताइए कितनी चॉकलेट खाती हैं आप साल भर में? बहुत सारी। बहुत सारी, अच्छा वो कितने किलोग्राम हो सकती है? इन जनरल आंसर तो 10 kg। अच्छा आंसर, पहले आंसर के बारे में, यू आर फोकस, यू आर कंसर्न्ड कि कहीं मेरा पुरस्कार इधर उधर नहीं हो जाए और किसी और को नहीं पूछ ले, तो पहले तो आंसर, पहले तो आपका नाम क्या है? ज्योति जांगेड़। हे ज्योति, आलोकित कर दे दुनिया को, तालियां ज्योति के लिए जोरदार तरीके से बजाइए आप, क्योंकि 10 किलो
किलोग्राम प्रति वर्ष प्रति व्यक्ति, सही आंसर है। हम ऐसे समाज में रहते हैं जहां पर आमतौर पर खूबसूरती की जब बात की जाती है तो गोरा रंग होना चाहिए आमतौर पर, लेकिन दुनिया में एक ऐसी सुपर मॉडल जब वो 4 वर्ष की थी तो सफेद दाग चेहरे पर, जब स्कूल जाती तो बच्चे चिढ़ाते, गाय जीब्रा इस तरह की बातें करते, जब थोड़ी बड़ी हुई तो ऐसा प्रतीत होता कि हिकारत से उसे सहेलियां या मित्र उसे देखते हैं। इन्फीरियोरिटी कॉम्प्लेक्स उन्होंने त्याग दिया, उन्होंने स्वयं से प्यार करना आरंभ किया, दिल और दिमाग दोनों लगाए और उन्होंने ये कहा मैं किसी से कमतर नहीं, और वो एक सुपर हिट मॉडल की सुपर ब्रांड है। बताएं उनका नाम और जीतें पुरस्कार। बोलिए आप। विनी हार्लो। विनी हार्लो इज द करेक्ट आंसर। आपका सुनना मोहित, मोहित नवल। मोहित के लिए तालियां जोरों से बजाइए, मोहित के लिए जोरदार ताली। जानकारियां ऐसी होनी चाहिए जब इस प्रकार के प्रश्नों को लिया जाता है तो दिमाग में बात यह होती है कि ऐसे लोग जिन्होंने हार नहीं मानी, जो हम सबके लिए प्रेरणा का स्रोत हो सकते हैं, ऐसे सवाल लिए जाना चाहिए। और बड़ी खुशी की बात है कि ऐसी जानकारियां भी आप पूर्ण रूपेण पढ़ते हैं, अन्यथा हम इन्हें पढ़ते नहीं, हम रिजेक्ट कर लेते। एक बार फिर इनके लिए तालियां बजाइए जोर से। और हमारे दर्शक ये जानना चाहेंगे ये कनाडा की है, ठीक है, तालियां एक बार फिर बजनी चाहिए उनके सम्मान में। आप देखिए वैलेंटाइन डे की बात करते हैं तो लोग प्यार करते हैं कई चीजों से, और जब प्यार की बात आती है तो कई लोग आखंड डूब जाते हैं। ऐसी ही एक स्थिति है अमेरिका में। आपको उस स्थान का नाम बताना है जहां से होते हुए हर साल लगभग 3 लाख खत जाते हैं ताकि उन पर खास वैलेंटाइन डे की मुहर लग सके। आपको बताना है उस जगह का नाम, यानी आपका चिट्ठी तो जानी है मान लीजिए मुंबई, लेकिन वो जाएगी उस स्थान से होते हुए, सारे लेटर्स पहले आपको बताना उस जगह का नाम। जी बताएं आप। लवलैंड। लवलैंड कहां पर है? कोलोराडो। कोलोराडो अमेरिका। आपका शुभ नाम? चेतन। चेतन जी के लिए तालियां जोरों से बजाएं। देखिए भारत विविधताओं का देश, अलग अलग रीति रिवाज परंपराएं। आपको यह बताना है कि पोंगल के पर्व से पहले तमिलनाडु में एक पारंपरिक खेल पर सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगा दी, और वो सांडों के बारे में है। आपको यह बताना है उस खेल का नाम, और आपको यह बताना है उसमें होता क्या है, क्या करते हैं, क्या विशेषता है, विशेष बात है, यह बताइए और जीतिए पुरस्कार। थोड़ा सा हटें आप, थोड़ा सा जगह दें। हाँ कोई बात नहीं। यस बोलें आप। जलीकट्टू। अच्छा अच्छा, इसमें क्या होता है जलीकट्टू में? इसमें 15 मीटर दौड़ मतलब सांडों को पकड़ा जाता है, अपने काबू में किया जाता है। देखिए आपने टुकड़ों में उत्तर दिया, मैं आपको थोड़ा सा बता दूं उसका उत्तर अपने को कैसे देना चाहिए, ठीक है, इसी बात को जो पढ़ा है। इस खेल में बाड़ी में बंद सांडों को छोड़ा जाता है और 15 मीटर के दायरे में उन्हें काबू में आवश्यक रूप से कर लेना होता है। जलीकट्टू। क्या नाम है आपका? हर्षिता सोन। हर्षिता जी हर्षाइए आप, तालियां जोरों से बजाइए आपके लिए, तालियां जोरों से।
देखिए एग्जामिनेशन में जब हम उत्तर दें तो आवश्यक रूप से ये दिमाग में रखिए कि एग्जामिनर्स जो हैं वो एलकेजी के स्टूडेंट्स हैं। समझाइए, हम जानते हैं आमतौर पर चीजों को शॉर्ट में कह देते, मोटे रूप से कह देते, नो पूछा गया एग्जैक्टली क्या है तो जितना संक्षेप में एग्जैक्ट हो सकता है उसको बताइए। बहरहाल तालियां तो बजाइए उनके लिए। देखिए वो इतना जबरदस्त पॉप सिंगर, दुनिया भर में प्रसिद्ध, इतना आर्टिस्टिक ओन स्टाइल कि उन्हें गायन का पिकासो कहा गया। लेट्स डांस, स्पेस ऑडिटी, स्टारमैन, मॉडर्न लव जैसे एल्बम दुनिया भर में उनके मशहूर हुए। आपको बताना है उनका नाम और जीतना है पुरस्कार। हाँ हाँ, वाई नॉट, वाई नॉट, बिल्कुल बिल्कुल। डेविड बॉवी। डेविड बॉवी, ब्रिटिश सिंगर। शुभ नाम आपका? शिवांजलि। शिवानी जी, बिल्कुल करेक्ट आंसर, करेक्ट आंसर। तालियां दोनों से बजाइए जोरदार तरीके। क्या बात है, क्या बात है। अरे यही तो हमारी भारतीय परंपरा और संस्कृति है, सहिष्णुता। यानी कोई भी व्यक्ति किसी भी क्षेत्र में महारत हासिल करता है, दुनिया के किसी कोने में हर एक हिंदुस्तानी का दिल गर्व से ऊंचा हो जाता है, मस्तक ऊंचा हो जाता है और हम गर्वोक्ति करते हैं, गौरवान्वित अनुभव करते हैं। तालियां बजाइए आपके लिए जोरदार तरीके, जोरदार तालियां। वो ये कहती हैं कि स्कूल से लेकर कॉलेज तक मुझे प्रताड़ित किया गया, मुझे तरह तरह से चिढ़ाया जाता था, मेरे परिवार के जो लोग थे वो भी मुझे प्रताड़ित करते थे, रिश्तेदार वो भी प्रताड़ित करते थे, लेकिन मैंने भी ठान लिया था मुझे कुछ कर गुजरना है, इन बातों से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। और उन्होंने ट्रांसजेंडर्स के लिए, शी इज नोन एज ट्रांसजेंडर्स एक्टिविस्ट, उन्होंने उनको अधिकार दिलाए, थर्ड जेंडर का कोर्ट से दर्जा दिलाया किन्नरों को, और साथ ही साथ एजुकेशन में उनके रिजर्वेशन की कानूनन व्यवस्था करवाई। बताएं उस एक्टिविस्ट का नाम जो हाल ही में जयपुर में आए थे जयपुर लिटरेरी फेस्टिवल में, बताएं उनका नाम और जीतें पुरस्कार। आप मेंबर्स ऑफ फैकल्टी हैं तो पहले मैं बच्चों को थोड़ा, क्योंकि सभी इंतजार कर रहे हैं जी, बोलिए, ठहरिए, इधर इधर आने दीजिए साहब, इधर, अन्यथा वो ये कहेंगे कि इतना ऊंचा बैठा दिया, बच्चे की त्रासदी क्या होती, कृष्ण भगवान क्या करते थे, मक्खन कैसे उतारें, नाना प्रकार के जतन करने पड़ते, ऊपर रख दिया जाता था, तो ऐसा नहीं हो। हाँ जी बोले। नाम है लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी। लक्ष्मी नारायण त्रिपाठी इज द करेक्ट आंसर। आपका शुभ नाम? मनीष। मनीष, मनीष जी के लिए तालियां दोनों से बजाइए। देखिए कई बार बड़ी रोचक जानकारियां आती है, वैज्ञानिक सतत रूप से दिन रात जुटे रहते हैं किस प्रकार से ह्यूमैनिटी को या उनकी जो जीवनचर्या है या जीवन शैली है उसको आरामदायक बनाया जाए, और उसको आरामदायक बनाने के लिए या जो बीमारियों से ग्रसित है उन्हें रोग मुक्त कैसे बनाए। डायबिटीज के बारे में ऐसा ही एक महत्वपूर्ण रिसर्च, और उसके बारे में ये बताया गया है कि एक मिनी स्टमक बनाया गया है और वो कॉम्पिटेंट है कि उसे इम्प्लांट कर दिया जाए या ट्रांसप्लांट कर दिया जाए तो इंसुलिन बननी शुरू हो जाएगी। आपको बताना है क्या रिसर्च, एक दो पंक्ति में क्या मूल बात क्या कही गई है, बताइए और जीते पुरस्कार। संक्षिप्त एग्जैक्ट आपको पुरस्कार मिला है जी। इधर मैंने एक बार फिर पूछा है
चलिए खड़े होइए आप जी। प्रोटीज ग्रंथि जिसके बीटा सेल खत्म होना चालू हो जाता है, अगर हम स्टोमक के निचले हिस्से में कुछ बदलाव करें तो बीटा सेल्स वापस बढ़ना चालू हो जाता है। वाह वाह, जो पीड़ित होता है डायबिटीज से उसके पेंक्रियाज जो ग्लैंड है उसमें बीटा सेल्स बनने कम हो जाते हैं, बंद हो जाते हैं, तो स्टमक का जो नीचे का हिस्सा है उसके जो टिश्यूज है उनको लेकर के लैब के अंदर उसमें वो मिनी स्टमक उन्होंने बनाया है और उन्होंने कहा है कि वापस फिर उसको जब ट्रांसप्लांट किया गया तो बीटा सेल वापस बढ़ना चालू हो गए और बीमारी खत्म हो गई। ये प्रयोग किस पे किया गया? चूहे पर एक ही चूहे पर या चूहों पर? चूहों पर। हाँ चूहों पर, मैंने कहा कोई मोहनलाल नाम का चूहा हो या भाई दबे ऐसा कुछ हो तो। आप अन्यथा नहीं ले, आप अन्यथा तो नहीं ले रहे ना? हाँ मतलब द होल पॉइंट इज कि ठहाका कैसे लगे और हम परिमार्जित हो जाएं और हम जितना फोकस्ड हो सके, जितना सही हो सके उतनी बात को हम कह सकें। तो इस प्रकार के बाहर से स्टमक या इस प्रकार से मिनी ऑर्गन्स बना करके उनको ट्रांसप्लांट किया जाएगा तो इससे चूहों पर यह परीक्षण 100% सफल रहा। आपका शुभ नाम? सुरेंद्र बाधु। सुरेंद्र जी के लिए तालियां जोरों से बजाइए, जोरदार तालियां। तो अब फिल्मों की बात, चेहरे पर ग्लो, मुस्कान, वाह क्या बात, खिल गए। बताएं उस प्रख्यात अभिनेत्री का नाम जिसे भारत सरकार ने हाल ही में प्रसार भारती बोर्ड का अंशकालिक पार्ट टाइम मेंबर नामजद किया है, जहां वो 2021 तक रहेंगी। बताएं नाम और जीते पुरस्कार। जी बताएं आप। सर काजोल। सर काजोल, ये पहले तो देखिए उपाधियों का जमाना है, दौर दौरा है और लिंग भेद मिटाने की बात है, इसलिए मैंने कहा बिकॉज कोई था ले नहीं सकता जानकारियों की, हर क्षण अपडेट होना दैट इज वेरी डिफिकल्ट, तो मैंने कहा क्या नाम है आपका? सर गजरानी। जी गजरानी। गजरानी, तो मैंने कहा गजरानी ने कोई लेटेस्ट इंफॉर्मेशन दी हो तो ये भी हम शेयर कर लें। तो काजोल, तालियां जोरों से बजाइए। और जो मैंने आपसे कहा, देखिए ऑलवेज कीप दिस इन माइंड that it is very important to acquire knowledge and more important than that is updation of the knowledge. वो इसलिए मुझे ध्यान आया कि आपने कहा सर तो हो सकता है ऐसा कुछ हो, तो अपडेट होते रहना चाहिए। तालियां बजाइए गजरानी के लिए एक बार फिर। और आइए आपको रूबरू कराते हैं उनके अभिनय कौशल से, काजोल जी के सम्मान में तालियां जोरों से बजाइए। रहस्यों से भरी हुई है, लेकिन कुछ कलाकार या कुछ महान व्यक्तित्व या महान कलाकार ऐसे होते हैं नए नए रहस्यों का सृजन करते हैं। मोनालिसा रहस्य, मुस्कान रहस्यमय, और अभी भी अलग अलग तरह की बातें कही जाती है, प्रयास करते हैं लोग उस रहस्य का
मूल मंतव्य जानने का कि ये रहस्य क्या है। लेकिन ताड़ने वालों ने मोनालिसा की आंखों में एक नया रहस्य ढूंढा है। आपको ये बताना है वो क्या है, वो क्या कहते हैं, उनकी आंखों में क्या बसा है, रहस्य बताएं और जीते पुरस्कार। और चूंकि ये थोड़ी बड़ी बात है, पुरस्कार मैं दो लेके चलता हूं, दो तीन लेके चलता हूं। चलिए खड़े होइए आप। जी सर, लेफ्ट आई में राइट आई में लिखा है एल वी इनिशियल्स, दे मे बी द इनिशियल्स ऑफ लियोनार्डो द विंची, जिन्होंने की इसको बनाया था, इस पेंटिंग को, मोनालिसा की। करेक्ट, संभावित है, बिल्कुल सही। बस इतने भी दे दूं पुरस्कार सर, फिर बाकी किसी और से पूछ लूंगा। चलो इसके आगे, आपका शुभ नाम सर? चिराग। चिराग जी, आप चिराग हैं, दुनिया को रोशन करते हैं, जानकारी आपकी हसी में। आप आगे बोलने वाले थे लेकिन मैंने रोका क्योंकि मैंने घोषणा की थी कि मैं इस प्रश्न पर एक से अधिक पुरस्कार देना चाहूंगा। इसलिए हे चिराग, डोंट वरी, पुरस्कार लीजिए और मुस्कुराइए, तालियां जोरों से बजाइए। हाँ साहब, आइए इधर, आइए इधर, आइए इधर आइए, थोड़ा खड़े हो जाए आप, एक मिनट खड़े हो जाइए। Yes. कौन बोल रहे थे, बोलिए आप। सर दाई आंख में तो एल ओ वी लिखा था, दाई आंख में। ये तो दाई आंख के बारे में कुछ इन्होंने एल वी कहा है, एल वी। हाँ तो ये तो हो गया। और लेफ्ट में, हाँ तो बाई हो गई। यस, बाई में सी बी लिखा था शायद, सी सी नहीं, नहीं, नहीं आपने पूरा नहीं। अब देखिए, ठहरिए ठहरिए, मैं आपको पूछूंगा, ठहरिए। सी ई या बी? सी ई या बी लिखा हुआ है। आपका शुभ नाम? मानिक लाल। मानिक लाल जी के लिए तालियां, मानिक लाल जी ने बिल्कुल से। आपका शुभ नाम? महेश। मनीष, मनीष जी थोड़ी सी गलती ये हो गई, हम थोड़ा कैजुअल हो गए, आपने पढ़ा तो था अतिरेक में, पहले तो आप दाई आंख बोल गए तो गलती हो जाती है, फिर अपन ने ये वो कंफ्यूज थोड़ा है ना, तो पढ़ जो लिया तो इम्प्रिंट हो जाना चाहिए। और कई बार ये होता है, हम आकर के कहते हैं बहुत बढ़िया पेपर हुआ, पेपर वही आ गया सवाल जो मैंने तैयार किया था, लेकिन जब उत्तर आते हैं तो हम दोषारोपण करते हैं टीचर साहिबान पर। तालियां जोरों से बजाइए, अब हम ऐसा नहीं करेंगे। चलिए एक पुरस्कार और, उसके बैकग्राउंड में कुछ और लिखा है ऐसा भी, उन्होंने पेड़ को सूक्ष्मदर्शी यंत्र से पता लगाया है कि बैकग्राउंड में कुछ और है। बैकग्राउंड अगर आप बताएं तो मैं, चलिए थोड़ा आने दीजिए साहब, आने दीजिए पीछे। बैकग्राउंड में, बैकग्राउंड की बात है तो बैकग्राउंड में मैं पूछता हूं क्या लिखा हुआ है, बोलिए आप। यस, 72 या एल, ऐसा आपने ऐसे नहीं, या एलसीवी। चलिए शुभ नाम क्या है? प्रगति अग्रवाल। प्रगति जी के लिए थोड़ी प्रगति और करनी बाकी है, पुरस्कार मैं दे देता हूं, तालियां जोरों से बजाइए इस बात के लिए, दे देता हूं कि प्रगति जी प्रगति करें और उस पर लिखा हुआ है 72 या एल और टू भी हो सकता है, ऐसा उन्होंने अंदाजा लगाया। उन लोगों के लिए जो सतत रूप से जुटे रहते हैं रहस्यों को उजागर करने में, उनके सम्मान में तालियां बजाइए जोरदार तरीके से। स्टीफन हॉकिंस, स्टीफन हॉकिंस, एल्बर्ट आइंस्टीन, उनकी श्रेणी में भारतीय मूल की लंदन स्थित 11 वर्षीय वो लड़की पहुंच गई है। आपको बताना है मेंसा टेस्ट में, जो ब्रिटेन का एक टेस्ट है हायर आईक्यू सोसाइटी का, उसमें कितने में से कितने अंक प्राप्त किए हैं, और नाम भी बताना है उसका आपको। जी खड़े होइए आप।
कश्मिया कश्मिया अच्छा कितने मार्क्स प्राप्त किए 162 में से 162 162 में से 162 कश्मिया वाही 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 कश्मिया वाही पूरा नाम क्या है मेरा हाँ राहुल मीणा राहुल मीणा तो राहुल के साथ जब मीणा लगाते हैं तो कश्मिया वाही पूरा तालियां जोर से ये बात होनी चाहिए सो तालियां इसलिए जोरों से बजाइए उस बच्ची के लिए जिसके कारण हर हिंदुस्तानी वन अप फील कर रहा तालियां जोरों से उसके सम्मान में मेरा सरल सवाल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया अभी जिस भवन में स्थित है वहां पर इसका उद्घाटन नहीं हुआ था मेरा सवाल ये आपको ये बताना है कि इसका उद्घाटन फिर किस भवन में हुआ एक और कौन सी तिथि को हुआ दोनों चीजें बताइए और जीतिए पुरस्कार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया भारत का सर्वोच्च न्यायालय बताएंगी आप आ रहा हूं बोले आप हाँ खड़े होइए यस भाई सवाल तो दाग दिया मैंने हाँ 28 जनवरी 1950 और चैम्बर ऑफ प्रिंसेस 1950 को सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया का उद्घाटन हुआ यस सर और कहाँ हुआ चैम्बर ऑफ प्रिंसेस चैम्बर ऑफ प्रिंसेस कहाँ स्थित था ये दैट इज वाइटल और ठहरी नहीं ठहरी कहाँ हो सकता है चलिए शुभ नाम बताएं विपुल मीणा जी इस बात को प्रेरित और रेखांकित करने के लिए आपने काफी कुछ पढ़ा है लेकिन आप पूरा पढ़ेंगे इसलिए आपको पुरस्कृत करता हूं तालियां जोरों से बजाइए चैम्बर ऑफ प्रिंसेस इन संसद भवन तालियां बजाइए जोरदार तरीके से और जस्टिस हीरालाल जे कानिया वॉज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ठीक है और 649 डेज तक वह इस पद पर आसीन रहे उनके सम्मान में भी तालियां श्रद्धा के रूप में बजाई है राजस्थान राज्य सहकारी उपभोक्ता संघ लिमिटेड जिनके सौजन्य से आपको दिए जा रहे हैं ये पुरस्कार तालियां बजाइए आभार प्रदर्शन के लिए संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर इज द नेम ऑफ द एनजीओ जो बनाया रूबी जी ने जो आज हमारी चीफ गेस्ट हैं और इंडियन रेलवे सर्विस की आप मेंबर हैं मैम आपसे थोड़ी जानकारी इस बात के लिए कि हम आम तौर पर जो सब्जेक्ट मैटर स्पेशलिस्ट होते हैं या ऐसे लोग जिनसे बाकी के लोग प्रेरणा ले सकें उनको आमंत्रित करते हैं गेस्ट के रूप में आप मुंबई से पधारी हैं आप ये बताएं कि कैंसर के लिए ये आपने एनजीओ जो बनाया क्यों प्रेरित हुई आप और क्या ऑब्जेक्टिव है क्या लोगों से अपेक्षा करती हैं ये कुछ इसके बारे में बताएं आप मैंने संजीवनी शुरू की बिकॉज आई माई सेल्फ हैड कैंसर इन 2009 ओके एंड व्हेन आई वाज डायग्नोज तो उस टाइम मैं स्टेज 3 में थी जी और जब ट्रीटमेंट हो रहा था टाटा हॉस्पिटल बॉम्बे में जी तो दैट वाज द फर्स्ट टाइम जब मैंने इतनी सारी मिजरी जी अकेलापन जी और जो कैंसर पेशेंट्स होते हैं उनका जो एक स्ट्रगल होता है जी वो देखा जी तो बहुत सारे लोग बहुत ज़्यादा गरीब एक्चुअली तो मुझे लगा कि मैं ये पूरी जर्नी अपने पूरे रिसोर्सेज के साथ जी कवर कर रही हूँ जी और यहाँ पे बहुत सारे ऐसे पेशेंट्स हैं जो वही जर्नी कवर कर रहे हैं
बिना किसी रिसोर्स के एक्चुअली. सो दैट वाज एक्सट्रीमली इट मेड यू नो काइंड ऑफ मार्क ऑन माय माइंड. एंड तो जब बाय ग्रेस ऑफ गॉड आई बिकेम ऑल राइट इन टू इयर्स, फिर मैंने 2012 में संजीवनी लाइफ बियॉन्ड कैंसर शुरू किया. जी. तो बॉम्बे से शुरू किया था. जी. उसका ऑब्जेक्टिव ये है कि उस टाइम जब कैंसर पेशेंट अपनी जर्नी के थ्रू गुजर रहा है तो वी आर एबल टू होल्ड हर हैंड एक्चुअली इन एवरी पॉसिबल वे. जी. क्योंकि बहुत अकेलापन उस टाइम पे हो जाता है ज़्यादातर पेशेंट्स को. बहुत सारी लेडीज ऐसे हैं जिनकी फैमिलीज उनको छोड़ देती हैं ऐसे टाइम पे. जी, जी, जी. तो उनका इमोशनल सपोर्ट, उनकी काउंसलिंग एंड उनका लॉजिस्टिकल सपोर्ट, सो वी टेक केयर ऑफ एवरीथिंग. एंड कैंसर सर्वाइवर्स के थ्रू काम करते हैं ताकि उनका रिहैबिलिटेशन हो जाए. जी, जी. तो अभी हम लोग बॉम्बे में काम कर रहे हैं, नागपुर, अहमदाबाद, जयपुर, बीकानेर. अभी हम लोग वेलनेस सेंटर्स शुरू कर रहे हैं कैंसर पेशेंट्स के लिए. जी. क्योंकि अपने ट्रीटमेंट के टाइम पे ये समझ में आया कि अपार्ट फ्रॉम द मॉडर्न मेडिसिन, व्हाट इज आल्सो वेरी इम्पोर्टेंट इज योगा, प्राणायाम, डाइट, साइकोथेरेपी. सो उसी फील्ड में हम लोग काम कर रहे हैं. आप यहाँ पर यूथ बैठा है, आप कोई विशेष इनको अवेयर करने के लिए और जो हमारे दर्शक इस कार्यक्रम को देख रहे हैं खास तौर से, बिकॉज लाइफ स्टाइल भी कहते हैं कि कंट्रीब्यूट काफ़ी करता है टू ए ग्रेटर एक्सटेंट. आजकल जो इंसिडेंस जो कैंसर का बढ़ रहा है विशेष रूप से बच्चों में, आप कुछ कहना चाहेंगी इनके लिए? बहुत ज़रूरी है एक्चुअली. इतने सारे यंग लोग यहाँ पे बैठे हुए हैं तो मैं उनको ये कहना चाहती हूँ कि अपना जो अंदर का एनवायरनमेंट है, अपनी बॉडी का जो एनवायरनमेंट है उसके प्रति बहुत सजग रहिए. अगर उसके अंदर कोई भी चेंजेस हो रहे हैं तो यू मस्ट इमिजिएटली अप्रोच डॉक्टर. उसके अलावा अपने खाने पीने और अपने एक्सरसाइज पे बहुत ध्यान दीजिए क्योंकि उससे अपना इंटरनल एनवायरनमेंट बहुत ठीक रहता है. इट इज एक्सट्रीमली इम्पॉर्टेंट, आई एम सेइंग इट फ्रॉम अ पर्सनल एक्सपीरियंस. एंड सिंस यू पीपल आर यंग, यू आर द फ्यूचर ऑफ दिस कंट्री, तो अपना इंटरनल एनवायरनमेंट और अपने आस पास का जो एनवायरनमेंट है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट. थैंक यू मैम, थैंक यू, थैंक यू. जोरदार तरीके से तालियां. देखिए आपका जो उत्साह और आपका जो उमंग है उसको देखते हुए, और आप में से अधिकांश लोग राजस्थान से हैं, तो मैं लोभ संवरण नहीं कर पा रहा हूं. मैं सोचता हूं कि राजस्थान का जो लोक संगीत है, राजस्थान के जो लोक गीत हैं जो आप में रचे बसे हैं, आप रोज उन्हें सुनते हैं, तो उसका एक गायन हो जाए. क्या आप तैयार हैं? तो एक बार आओ जी. जमा जी पावना बिल्कुल तैयार है इसके लिए? आपको म्यूजिक भी देना पड़ेगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं, ठीक है? एक बार आओ जी जवाई जी पावना, एक बार आओ जी जवाई जी पावना, तारा सासू जी जवानी लाड केड़ा, ताने ससुरो जी बुलावे घरे आप जवानी लाड केड़ा, ताने साली जी बुलावे घरे आप जवानी लाड केड़ा, ताने सारा जी बुलावे घरे आप जवानी लाड केड़ा, ताने लाडी जी और देखिए हमें आनंद की अनुभूति हो रही है क्योंकि आप सभी बन गए हैं टीवी सिंगर्स. अब आप कह सकते हैं मैं टेलीविजन पर गाने गाता हूं, कह सकते हैं हाँ या ना? तालियां बजाइए अपने लिए आप जोरदार. देखिए दिल्ली स्थित जो गांधी जी का संग्रहालय है वहां पर दो हाइपर इंस्ट्रूमेंट लगे हुए हैं और उसमें कोई भी व्यक्ति आकर के
कुछ भी शब्द अपशब्द कुछ भी बोले तो भी एक प्रिय भजन जो है वो बसता है एक में, और दूसरे में गांधी जी को जो प्रियतम थी प्रार्थना वो बसती है। आमतौर पर भजन ज्यादा सुनना पसंद लोग करते हैं इन दिनों। आपको बताना है वो भजन कौन सा है जो प्रिय था गांधी जी को, बापू को, और वे प्रार्थना कौन सी है, और जीतना है पुरस्कार। जी बोलिए आप। सर एक तो रघुपति राघव राजा राम था, रघुपति राघव राजा राम, और एक वैष्णव जन था, वैष्णव जन को तेने कहिए पीर पराई जाने रे। शुभ नाम राहुल मेहर। राहुल मेहर साहब के लिए तालियां जोरदार। आइए आपको रूबरू कराते हैं, रूबरू करवाते हैं इससे, तालियां जोरों से बजाइए। संख्या में पधारते हैं, इतना उत्साह, इतनी उमंग, इतना जोश, इतना समय आप इंतजार करते हैं, श्लाघनीय है। और अब एक नृत्य प्रस्तुति, उनके सम्मान में तालियां बजाइए जो आपके सहपाठी हैं। जोरदार तरीके से जोरदार तालियां। जिंदाबाद था, जिंदाबाद है और जिंदाबाद रहेगा। बस बहुत हो गया।
मुन्ना झुंड में तो सुअर आते हैं, शेर अकेला ही आता है। Watch this.